आज का जो वचन है मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना के ऊपर मैंने आज का वचन लिया है कि हम प्रार्थना कैसे करें और प्रार्थना में हमें क्या मांगना चाहिए, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और हमें प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए। एक तो हमें प्रार्थना करनी नहीं आती और प्रार्थना एक बहुत बड़ा हथियार है। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिससे हम परमेश्वर को पा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के मन को जान सकते हैं कि परमेश्वर के मन में क्या है। हेलो, पहला कुरिन्थियों 2:11 अगर आप पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 2:11 की परमेश्वर के मन को हम कैसे जान सकते हैं। हालेलुया, देखिए परमेश्वर ने हमको प्यार दिया, परमेश्वर ने हमको बहुत प्यार दिया और अपने इकलौते पुत्र का बलिदान देकर हमको आशीष दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, विश्वास करते हैं कि नहीं विश्वास करते हैं? हाँ के नाम उससे बात करिए। हालेलुया, तो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया ताकि हम पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं और उसके योग्य बन जाएं। और उसने अपनी आत्मा हमारे अंदर उड़े ली ताकि हम उसकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर के वचन को जाने और उसको समझे। हालेलुया, तो यहां पर क्या लिखा है, प्रार्थना में हम उसके मन को जाने। आप किसी के मन को नहीं जान सकते। इनके मन में क्या लिखा है, क्या है, मैं नहीं जान सकता। आपके मन में इस समय क्या बात कर रही है, मैं नहीं जान सकता, परमेश्वर जान सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 2:11, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हाँ, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। हाँ, केवल परमेश्वर का आत्मा। आमेन। मनुष्य के मन में क्या है कौन जानता है, सिर्फ उसकी आत्मा। हालेलुया, कि उसके मन में क्या है। इसी तरीके से मेरे मन में क्या है, मेरी आत्मा जानती है। परमेश्वर के मन में क्या है, परमेश्वर की आत्मा जानती है। लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपनी आत्मा हमें दे दी, अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमें अपनी आत्मा दे दी। अब हमें क्या करना है कि हम अगर उसकी आत्मा के द्वारा अगुवाई में चलेंगे, उसकी आत्मा के द्वारा अपने जीवन को चलाएंगे, तब हम उसकी आत्मा के द्वारा जान पाएंगे कि मेरे लिए परमेश्वर के मन में क्या है। आमेन। बहुत आसान है, बहुत आसान है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप चलिए, और वो चलना चाहता है। उसने सहायक के रूप में अपनी आत्मा दी हमें। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 14:15 में वचन कहता है कि उसने एक सहायक के रूप में हमें अपनी आत्मा दी है, लेकिन हम उसकी सहायता नहीं लेते। हमें अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है। हम समझते हैं कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वह सही है, मेरे भविष्य का निर्णय मैं कर सकता हूँ, आगे क्या होने वाला है मैं बता सकता हूँ। नहीं, गलत है मेरे भाई, आप नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं एक कदम भी सही नहीं चल सकता। हालेलुया, लेकिन मेरा प्रभु है जो मुझे चलाता है, मेरा प्रभु है जो मुझे बताता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए हम पूरी तरीके से जब उसकी अगुवाई में चलते हैं, जब हम दीन और नम्र बन के कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर, मुझे कुछ नहीं आता तो मुझे बता। प्रेज द लॉर्ड, मेरी उंगली थाम और मुझे लेके चल। हालेलुया, तब परमेश्वर आपकी उंगली थामता है। हालेलुया, और वो आपको लेके चलता है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा ही काम करती है, या तो शैतान की आत्मा काम करती है या प्रभु की आत्मा काम करती है। पहले जब आप प्रभु में नहीं थे तो क्या था, बाइबल कहती है, देखिए इफिसियों 2:2 पढ़ेंगे, इफिसियन 2:2 पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है कि पहले आप क्या था, एक से पढ़ लीजिए, इफिसियों 2:1-2 पढ़िए। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध, इफिसियों 2:1, हाँ, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम लोग क्या थे, अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ये जो आप दुनिया में लोग घूम रहे हैं ना, ये शरीर से जी रहे हैं लेकिन इनकी आत्मा मरी हुई है। क्यों मरी हुई है, क्योंकि आत्मा में पाप है। हालेलुया, पाप आपको मार देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह ने लहू बहाया ताकि हम शुद्ध हो जाएं, ताकि हम पवित्र हो जाएं, ताकि हमारे पाप मुक्त से मुक्त हो जाएं। इसलिए उसने हमारे पापों से हमें मुक्त किया है। इसलिए जैसे ही आप बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु में आते हैं, आपकी आत्मा जिंदा हो जाती है। तो वचन क्या कहता है कि पहले तुम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, दूसरा,
जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ध्यान दीजिए, हालेलुया। पहले हम आकाश में जो अंधकार की शक्तियां हैं उनकी आत्माओं के द्वारा चलते थे। हेलो, ये भेद की बात आपको पता है? जब आप प्रभु में नहीं थे तो अंधकार, आकाश में जो अंधकार की शक्तियां हैं उनकी आत्माओं के द्वारा हम चलते थे, उनकी आत्माएं के प्रभाव से हम आगे बढ़ते थे, हम कोई भी निर्णय लेते थे उन अंधकार की शक्तियों की आत्मा के द्वारा। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, इफिसियों 2:2 कह रहा है कि उन आत्माओं के द्वारा हम चलते थे जो कि अंधकार की शक्तियों की आत्मा थी। हालेलुया। लेकिन अब हम कहां पर आ गए हैं? परमेश्वर। इसलिए जब हम पवित्र हो गए और परमेश्वर में आए तो परमेश्वर की आत्मा हमें मिल गई। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा हमें दी है। मेरे भाई, मेरी बहन, वो आत्मा आपको जीवन देना चाहती है, वो आत्मा आपको सुख देना चाहती है, वो आत्मा आपके अंदर यीशु को प्रकट करना चाहती है, वो आत्मा बताना चाहती है कि आपको कैसे जीवन जीना है, कैसे निर्णय लेना है, कैसे प्रार्थना करनी है। लेकिन हम उस आत्मा की अगुवाई में नहीं चलना चाहते। प्रेज द लॉर्ड। और यही सबसे बड़ा हम गलत करते हैं, गलती करते हैं कि हम उस आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं। वो आत्मा जिसने सृष्टि की रचना की वो हमारे अंदर है, वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया वो हमारे अंदर है, वो आत्मा जिसने आकाश और धरती को बनाया वो हमारे अंदर है। आप जानते हैं आप कौन है? आप इसकी अहमियत को नहीं समझ रहे कि आप कौन है? आप परमेश्वर के बहुमूल्य मंदिर हैं। मैं बोलिए, मैं परमेश्वर का बहुमूल्य मंदिर हूं। अपने आप को पहचानिए आप। जिस दिन हमने ये जान लिया, जिस दिन आपने ये समझ लिया, जिस दिन आप इस एहसास के संग जिएंगे कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, उस दिन कोई भी गलत आत्मा, अंधकार की शक्ति आपके अंदर नहीं रह सकती, कुछ नहीं रहेगी। ये बीमारियां, ये सब कुछ, ये नेगेटिव चीजें, ये दुष्टात्माएं सब निकल जाएंगे, क्योंकि वहां पर ज्योति। जिस दिन आप अंगीकार करेंगे कि मैं ज्योति में हूं, जिस दिन आप उस अंगीकार के साथ उस ज्योति के संग रहना शुरू करेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है, वचन कहता है कि पहले हम आकाश में चलने वाली अंधकार की शक्तियों की आत्मा के द्वारा अपने जीवन को बिताते थे, और अब हम पवित्र आत्मा के द्वारा हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्यों हमारे जीवन में अभी भी अंधकार है? क्योंकि आप प्रार्थनाएं अंधकार की शक्तियों को अपने जीवन में उतारने के लिए करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपकी प्रार्थनाओं में लालच है, अगर आपकी प्रार्थनाओं में व्यभिचार है, अगर आपकी प्रार्थनाओं में संसार है, अगर आपकी प्रार्थनाओं में आंखों की लालसा है, शरीर की अभिलाषा है, तो कौन सी आत्मा आपके अंदर काम करेगी? अंधकार की शक्तियों की आत्मा काम करेगी। लेकिन हम तो प्रभु में हैं, हम तो मसीह में पवित्र हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर परमेश्वर ने दी है वो कब काम करेगी? जब आप चाहेंगे। अपने घर आपको किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, इसका निर्णय कौन करेगा? आप करेंगे। दरवाजा आपके पास है, घर आपका है। हालेलुया। आप शैतान को बुलाते हैं या परमेश्वर को बुलाते हैं? इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, इट्स अप टू यू। परमेश्वर ने आपको कठपुतली नहीं बनाया, याद रखिए, परमेश्वर ने आपको कठपुतली नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको स्वयं की इच्छा दी है, परमेश्वर ने आपको फ्री विल दी है कि आप अपनी इच्छा से काम करें, आप अपनी इच्छा से उसे चुनिए। वो ब्रह्मांड का रचयिता है, वो आज चाहे तो पूरी दुनिया उसके सामने आपको झुक जाएगी, एक सेकंड नहीं लगेगा, लेकिन वो नहीं चाहता है। वो क्या कह रहा है कि क्योंकि संसार से, यूहन्ना 3:16 पढ़िए, जो परमेश्वर का वचन है, देखिए उसमें क्या कहता है, वो उस वाचा को समझिए, बोलिए बेटा, यूहन्ना 3:16,
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। अब निर्णय किसके हाथ में है? आमेन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत के लिए दे दिया। अब जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो नष्ट हो जाएगा। हेलो, तालियां बजानी है तो सही बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। इन्हीं का निर्णय किसके हाथ में है? आमेन। अगर आप विश्वास करेंगे तो आशीष पाएंगे, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो वो आशीष आप खो देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब हम प्रार्थना करें तो अपनी प्रार्थनाओं में लालच ना आए, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं में अगर लालच आएगा, मोह आएगा, माया आएगा, संसार आएगा, शरीर की अभिलाषाएं आएंगी, आंखों की लालसा आएंगी, तो कौन सी आत्मा काम करेगी? अंधकार की शक्तियां। फिर जो आत्मा आपके अंदर परमेश्वर ने दी है वो काम नहीं करेगी, वो शोकित हो जाएगी। हालेलुया। इफिसियों 4:29-30, फिर वो आत्मा शोकित हो जाएगी। और बाइबल कहती है कि अपनी आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, उसको शोकित मत करो, उसको दुखी मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। 30 परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, ये चुनौती है, ये चेतावनी है, ये परमेश्वर की ओर से आपको चेतावनी है। जो आत्मा परमेश्वर ने आपको दी है उसको शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, दे दी है, देने वाला नहीं है, मोहर लगा दी है आपके ऊपर, पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर लगा दी गई है कि आप स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है और पवित्र आत्मा के द्वारा छाप लगा दी है कि आप स्वर्ग जाएंगे। अब आपके ऊपर निर्णय है, अगर आप उस आत्मा को शोकित करेंगे तो अपनी छाप को गंवा बैठेंगे, अपनी छाप को दूर कर देंगे, अपनी छाप से हाथ धो बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं, आप उसी कीमत को नहीं समझ रहे हैं। हालेलुया। मान लीजिए आप किसी आदमी से प्यार करते हैं, किसी अपने पड़ोसी से बहुत प्यार करते हैं, और उस पड़ोसी को आपने गिफ्ट किया, 1,00,000 रुपए का उपहार उसको गिफ्ट किया। आपने कहा, नहीं यार, मेरा फंड मिला, ये मिला नहीं, ये आदमी बहुत अच्छा है, 1,00,000 रुपए का मैं उपहार इसको गिफ्ट करता हूं। मेरा भाई, 1,00,000 रुपए का उपहार आप लीजिए। अब वो जो आदमी था, वो 1,00,000 रुपए का उसने उपहार लिया, कहता ठीक है, रख दिया उसने। आप आते जाते देख रहे हैं कि वो 1,00,000 रुपए का उपहार पे धूल जम रही है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं कर रहा वो। आपने अपना सब कुछ गंवा दिया, आपने जमीन बेच दी, आपने उस 1,00,000 रुपए के उपहार के लिए अपना बहुत कुछ गंवा दिया, लेकिन वो जो भाई है वो 1,00,000 रुपए के जो उपहार की कीमत नहीं समझ रहा है, उसने रख दिया घर के कोने में कि ठीक है, अंकल ने दिया है, ठीक है, अभी तो यूज नहीं है इसका, जब होगा तो यूज करेंगे। कैसा लगेगा आप पर? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। आप दोबारा उपहार देंगे उसे? हेलो, आप दोबारा उपहार देंगे उसे? आमेन। यही परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपको वो कीमती उपहार दिया है जिसकी आप कीमत नहीं समझ रहे हैं। आप कीमत नहीं समझ रहे हैं। करोड़ों का आशीष परमेश्वर ने उस आत्मा के जरिए आपको दिया है, आप उसकी कीमत को नहीं समझ रहे हैं। आप उसको शोकित कर रहे हैं क्योंकि आप संसार को नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप अंधकार की शक्तियों को नहीं छोड़ पा रहे हैं,
आप आंखों की लालसाओं के लिए इतने व्याकुल हैं कि आप अपनी पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, शोकित कर रहे हैं आप। Praise the Lord। आपको उसकी वैल्यू नहीं लग रही है कि मुझे परमेश्वर ने क्या दिया है। वो आत्मा दी है जिसने सृष्टि की रचना की है, आपको वो आत्मा दी है जिसको मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति है जिसके पास। आप क्या समझ रहे हैं? पहली सदी के चेले जब चलते थे तो उनकी परछाई से मुर्दे जिंदा होते थे। होते थे कि नहीं होते थे? होते थे कि नहीं होते थे? क्योंकि उन चेलों ने उस पवित्र आत्मा की कीमत को समझा। लाठी पड़ी तो लाठी खाई उन्होंने, बेइज्जती की उन्होंने तो बेइज्जती सही, लेकिन अपनी आत्मा के साथ, अपनी आत्मा को, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं किया, नहीं किया शोकित, नहीं। तब जहां वो चलते थे परमेश्वर का सामर्थ उनके साथ चलता था। आप चलते हैं, वही पवित्र आत्मा आपके पास है। हालेलुया रे बंदोरी वाला काहिंदो शिकलारिया, वही आत्मा आपके पास है जो पतरस के पास थी, जो यूहन्ना के पास थी, जो याकूब के पास थी, जो पौलुस के पास थी, वही आत्मा आपके पास है। हालेलुया, वही आत्मा आपके पास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप उस आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? हालेलुया, उस आत्मा को शोकित मत करिए, मत शोकित करिए उस आत्मा को। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना में मत मांगिए ऐसी चीजें जिसकी वजह से अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में काम करें। कई बहनों को, कई भाइयों को मैंने देखा है प्रार्थना में मांगते हुए किसी का बुरा करने के लिए। परमेश्वर तू मेरा सच्चा, मैं आपका भक्त हूं परमेश्वर, उस आदमी का बुरा हो जाए, उस बहन का बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए। हालेलुया, आप अंधकार की शक्तियों को न्योता दे रहे हैं कि वो आपके घर में आए, जिसको परमेश्वर ने अपने बेटे के लहू से निकाला है, जिसको परमेश्वर ने अपने बेटे के बहुमूल्य लहू से आजाद किया है। आपकी गलत सोच, आपकी लालच, आपका झूठ, आपका धोखा आपको शैतान के चंगुल में लेकर आ रहा है। आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और जब ये अंधकार की शक्तियां आपके अंदर आती है ना भाई मेरे बहने, तब आप परमेश्वर के वचन को समझ भी नहीं पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं आप, आपकी बुद्धि बंद हो जाती है। यहूदा इस्करियोती के बारे में जानते हैं आप? यहूदा इस्करियोती कौन था? अरे जवाब दीजिए, कौन था यहूदा इस्करियोती? यीशु का चेला था। यीशु उसके गुरु थे? यीशु मसीह ने उसको चुना था? यीशु मसीह ने उसको अधिकार दिया था? उसने उसने अंधकार की शक्तियों को निकाला था? चमत्कार किए थे? चंगाई की थी? यीशु मसीह के साथ था? यीशु मसीह उसका पास्टर था? क्या हुआ अंत? मर गया वो, आत्महत्या में मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि उसके अंदर लालच आ गया था। हालेलुया, यूहन्ना 12:2-3-4। हालेलुया, यूहन्ना 12:4-5-6 पढ़िए, जल्दी पढ़िए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आज का वचन आपका जीवन बदल जाएगा, बता रहा हूं मैं, ध्यान से इस वचन को समझने की कोशिश करिए, पढ़िए बेटा। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़ने वाले पर था कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसमें से कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। आमीन। यूहन्ना जो उसका पार्टनर था, यूहन्ना कह रहा है कि यहूदा इस्करियोती चोर था, उसके अंदर लालच थी, वो खजाने की उसके पास थैली थी। अब देखिए, कलीसिया में दान दशांश लेते हैं, एक थैली आती है आपके पास से, थैली आती है, वो किसके लिए? परमेश्वर के लिए।
वो परमेश्वर के काम के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो आप दान दशांश देते हैं किसके लिए? अब अगर मैं उस दान दशांश में से अपने लिए निकाल लूं, आपको तो पता नहीं है, वो तो आपने दे दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो अंधकार की शक्तियां मेरे जीवन में काम करेंगी, आपका कुछ नहीं होगा, परमेश्वर मुझसे मांगेगा न्याय। हेलो, आपने विश्वास के संग दे दिया, आपने विश्वास के संग बोया, आपको प्रतिफल मिलेगा। लेकिन अगर मैं गलत तरीके से उसका व्यय करूंगा, गलत तरीके से उसका उपयोग करूंगा, तो परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहूदा इस्करियोती, जिसका पास्टर यीशु मसीह था, जब उसके अंदर लालच आया तो वो उस पास्टर की बुद्धि को सुन नहीं सकता, यीशु मसीह के ज्ञान को समझ नहीं पा रहा था, यहां तक कि यीशु मसीह ने उसके पैर धोए, यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के पैर धोए ताकि वो समझे, ताकि उसके अंदर पश्चाताप की आत्मा आए, लेकिन नहीं, क्योंकि उसके अंदर लालच था। लालच आपकी बुद्धि बंद कर देता है। आप नहीं समझ रहे छोटा सा लालच, नौकरी का लालच, धंधे का लालच, आप समझ रहे कि लालच में कुछ, लालच बहुत बड़ा पाप है। लालच आपकी बुद्धि बंद कर देता है, लालच आपको समझ बुद्धि बंद कर देता है, लालच आपके अंदर पवित्र आत्मा की जो अगुवाई है, उसकी आवाज है, वो सुनने के लिए कान बंद कर देता है। लालच, आप क्या समझते हैं थोड़ा सा लालच कर लेते हैं? आप नहीं जानते हैं आकाश की जो अंधकार की शक्तियां हैं, आप उनको नहीं जानते हैं, वो आपके अंदर प्रभावित रूप से आना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं आपके ऊपर। कौन ला रहा है आपके अंदर उनको? आप। कौन ला रहा है उनको काम करने के लिए आपके अंदर? आपका लालच, शरीर की अभिलाषाएं, आपकी शरीर की अभिलाषाएं उनको ला रही हैं, आंखों की लालसाएं उनको अंदर ला रही हैं। हालेलुया, आप नहीं समझ रहे हैं। 10,000 रुपए के लिए आप अपने आप को बेच रहे हैं, 10,000 रुपए के लिए, 5,000 रुपए के लिए, 20,000 के लिए, 1,00,000 रुपए के लिए, आप उस आत्मा को शोकित कर रहे हैं जिसके वजह से आपके ऊपर छाप है, ताकि आपको परमेश्वर लेके जाए, ताकि यीशु आपको पहचाने। जब वो आएगा रैप्चर में तो आपको पहचानेगा पवित्र आत्मा के जरिए कि इसके ऊपर पवित्र आत्मा है। हालेलुया, रेबका हिंदू शिकला दिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें प्रार्थना करते समय बहुत ध्यान देना है कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि मुझे जो दिया है, अगर मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा वो जा रहा है, तो क्या आपका मांगना जायज है? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं आर्थिक रूप में आपको पैसों की भाषा में समझाऊं, अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी आपकी जा रही है, तो क्या हजारों की लालच आपके लिए सही है? प्रेज द लॉर्ड। और जो आपको दिया गया है वो अनंत काल तक के लिए है। जो आपको दिया गया है, अब आप कहेंगे पास्टर हम प्रार्थना कैसे करें? फिर हम प्रार्थना कैसे करें? मैं आपको बताता हूं, यिर्मयाह 29:11 जल्दी पढ़िए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। हालेलुया, ध्यान दीजिए इस वचन की शुरुआत, क्योंकि यहोवा की वाणी है। किसकी वाणी है? क्योंकि यहोवा के मुख से ये निकला है, प्रभु के मुख से ये निकला है। जो बात अभी आप सुनने वाले हैं वो परमेश्वर के मुख से निकला है। बोलिए बहन, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। वो हानि की नहीं है वरन कुशल की है, जिससे और अंत में तुम्हारे आशा पूरी करूंगा। आमेन। परमेश्वर की यह वाणी है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं, जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, वो हानि की नहीं है, वो कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा।
हालेलुया। ये कौन कह रहा है? सर्वशक्तिमान, जिसने स्वर्ग की रचना की है वो कह रहा है, जिसने पृथ्वी की रचना की है वो कह रहा है, जिस धरती पर आप हैं उस पर, जिस धरती पर आप चल रहे हैं उसको बनाने वाला परमेश्वर कह रहा है, जिसको आपने आजाद किया, जिसको आपको आजाद किया वो कह रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए, परमेश्वर का ये वचन, परमेश्वर का ये वादा जो आपको जीवन दे रहा है, जो आपको भविष्य में होने वाली चीजों को गारंटी दे रहा है कि तेरा भविष्य उज्जवल होगा। हम क्या करते हैं मेरे भाई मेरी बहन? सोचिए, आप अपने बच्चा, आपका बच्चा पैदा होता है, आप अपने बच्चे के लिए स्कूल लगाते हैं, अच्छे से अच्छा स्कूल, अच्छे से अच्छा कॉलेज, अच्छे से अच्छा ट्यूशंस। आपका पैसा नहीं होता है, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने के लिए। इंजीनियर बन जाए मेरा बच्चा, डॉक्टर बन जाए मेरा बच्चा, कंप्यूटर इंजीनियर बन जाए मेरा बच्चा। हालेलुया, क्यों? ताकि इसका भविष्य उज्जवल हो, ताकि इसका भविष्य सुरक्षित हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या आपको गारंटी है कि आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा? इतना पढ़ने के बाद गारंटी है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों आप गारंटी नहीं ले पाते? क्योंकि आप संसार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप संसार की पढ़ाई कर रहे हैं, आप संसार पर विश्वास कर रहे हैं, आप अपने पिता पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को नहीं कह रहे हैं कि साहब नहीं कोई बात नहीं, अगर तू 6 घंटे ये बच्चा ये अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है तो कम से कम 1 घंटा तू बाइबल पढ़। आप नहीं कह रहे, क्योंकि आप समझते हैं ये ज्ञान का वैल्यू नहीं है। हालेलुया, मैं आपको बताऊं, यही ज्ञान की वैल्यू है, इसी ज्ञान की वैल्यू है, इसी में वचन है कि परमेश्वर ने आपको गारंटी दी है कि तेरा भविष्य उज्जवल होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप अपने बच्चों को कहते हैं पढ़ाई करो, वेरी गुड, इंजीनियर पढ़ो, वेरी गुड, डॉक्टर बनो, वेरी गुड, लेकिन आप ये भी कहिए कि परमेश्वर का ज्ञान जरूरी है तेरे लिए। अपने बच्चों को अगर आप परमेश्वर का ज्ञान नहीं दे रहे हैं तो आप उनका नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वचन क्या कहता है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जिसे मैंने बनाया है, और वो योजनाएं हानि की नहीं है, लाभ की हैं। तो आप बोलेंगे पास्टर हम कैसे प्रार्थना करें? हाँ, अब आप प्रार्थना करिए और धन्यवाद दीजिए, पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं, पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि तेरी जो योजनाएं मेरे लिए हैं वो अच्छी हैं, तूने जो योजनाएं मेरे लिए बनाई हैं, मेरे बच्चे के लिए बनाई हैं, मेरी पत्नी के लिए बनाई हैं, मेरी कलीसिया के लिए बनाई हैं, वो सब अच्छी हैं और उनसे मेरा भविष्य उज्जवल होगा। हालेलुया, अंगीकार करिए, यस मैं जानता हूं कि तूने जो योजनाएं बनाई हैं वो अच्छी होंगी, अब परमेश्वर दया कर मुझे बुद्धि दे, अपनी आत्मा की अगुवाई में मुझे बुद्धि दे ताकि मैं उन योजनाओं के अनुसार चलूं। जो योजनाएं तेरी हैं तू जानता है, हालेलुया, तू जानता है, तू कहता मैंने बनाई है, हालेलुया, अब मुझे बुद्धि दे और तेरी आत्मा जो मेरे अंदर है उसके द्वारा मेरी अगुवाई कर कि मैं उन योजनाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताऊं। हालेलुया, सोचिए जैसा परमेश्वर चाहता है अगर वैसा जीवन आपने जीना शुरू कर दिया, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं आपको, एक पल का भी दुख नहीं होगा, उसके वचन आपके जीवन में जीवित होंगे। इंसान रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है वचन? इंसान रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा वचन? जो उसने कहा है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूं, वो योजनाएं हानि की नहीं है, लाभ की हैं। ये किसके मुख से निकला है? ये किसके मुख से निकला है? आमीन। ये किसके लिए है? आमीन। तो इसको स्वीकार करिए, अंगीकार करिए और उसके मुताबिक अपने जीवन को बिताइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तकरीबन 18 साल हो गए मुझे परमेश्वर की सेविकाई करते हुए, मैं कोई काम नहीं करता हूं, कोई काम नहीं करता हूं मैं। मेरा बेटा देखता, मैं सालों से कहता, मैंने सालों से देख रहा हूं पापा आप यहीं बैठे हो, सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। मैंने कहा यही मेरा काम है बेटा,
जो मैं करता हूं तुम भी करो, जो मैं करता हूं तुम भी करो। हालेलुया। क्योंकि मैं उस शक्ति के द्वारा काम कर रहा हूं, वो आत्मा की शक्ति जो मेरे अंदर है, वो आत्मा की शक्ति जिसने ब्रह्मांड की रचना की है, मैं उसके द्वारा काम कर रहा हूं और वो आत्मा मेरे लिए काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या चाहिए? रोटी चाहिए? आपको क्या लगता है मैंने आपसे कुछ मांगा है आपसे आज तक? कितने साल से आप मेरे साथ हैं कि भैया मेरे घर में जरूरत पड़ गई मुझे दे दो, मुझे पेट्रोल नहीं है मुझे दे दो, मांगा आपसे कभी? अपने लिए कुछ मांगा है? चर्च के लिए मांगा है वो अलग चीज़ है कि चर्च में जरूरत है पैसे की या चर्च में जरूरत है। मैंने अपने लिए कुछ मांगा है आपसे? हालेलुया। क्योंकि मैं बहुत बहुत आशीषित हूँ, मैं बहुत बहुत आशीषित हूँ। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने एक बेटा दिया, इकलौता बेटा। हालेलुया। उसकी भी इच्छाएं थी कि पढ़े, मैंने कहा पढ़ो, लेकिन कहता पिता आपकी इच्छा क्या, बाबा आपकी इच्छा क्या, मैंने कहा मेरी इच्छा कि तुम सेवा करो, मेरी इच्छा तुम सेवा करो। मेरा बच्चा पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, आप जानते हैं 50,000 की उसको नौकरी मिल रही थी अभी। उसने कहा पापा मैं क्या करूं, मैंने कहा मेरी इच्छा तुम सेवा करो, मेरी इच्छा तुम सेवा करो। उसने नौकरी छोड़ दी और वो मेरे संग सेवा कर रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर का काम करना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संसार में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन संसार में काम करते हुए उस आत्मा को आप इज्जत दें, उस आत्मा को शोकित मत करिए, आप उस आत्मा को शोकित मत करिए। हालेलुया। पत्रस के बारे में जानते हैं? लूका 22:31-34। पत्रस जो कि यीशु मसीह का चुना हुआ दास था, यीशु मसीह पत्रस से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन पत्रस जब यीशु मसीह के पास आया तो पत्रस ने कहा कि यूहन्ना, पत्रस बोलिए, सिमोन, हे सिमोन, देख सैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान पटके पटके जाओ। शैतान ने, शमौन, हे पत्रस, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं की तरह पटके। आगे, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। एक मिनट, हालेलुया। अब सोचिए, यीशु मसीह शैतान के ऊपर है या शैतान के नीचे है? ऊपर है। हालेलुया। शैतान यीशु मसीह से कहता है, वचन कहता है कि शैतान ने मुझसे मांगा है कि वो तुझे गेहूं की तरह पटके, और यीशु मसीह मना नहीं कर पाए, यीशु मसीह मना नहीं कर पाए। ये मेरा भक्त है, ये मेरा चुना हुआ है, लेकिन मैं मना नहीं कर पा रहा हूं। क्यों मना नहीं कर पाए? क्योंकि उनके अंदर अंधकार आ गया था। इसी का 24वां पढ़ो, 24वां, इसी का 24वां। उसने यह वाद विवाद भी हुआ कि उन में से कौन बड़ा समझा जाता है। उन चेलों में वाद विवाद हो रहा था इससे पहले कि कौन हम में से बड़ा है। पत्रस कह रहा था मैं हूं, यूहन्ना कह रहा था मैं हूं, याकूब कह रहा था मैं बड़ा हूं, यहूदा इस्करियोती कह रहा था मैं बड़ा हूं। उनमें वाद विवाद हो रहा था कि मैं, यानी कि क्या आ गया था उनमें, मैं, क्या आ गया था उसमें, मैं। ये जो मैं है ना, वो आपके, आपको अंधकार की ओर लेके जाता है। जो आपके अंदर अहम है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत जानता हूं, मुझे पूरी बाइबल आती है, मैं 20 साल से कलीसिया आ रहा हूं, मुझे सब कुछ पता है, ये मैं जो है ना, वो आपके अंदर अंधकार लेकर आता है। अंधकार किसका घर है? शैतान का। अंधकार किसका घर है? अगर आपके अंदर अंधकार होगा तो शैतान अपने घर में आएगा। हेलो, इसको समझने की कोशिश करिए। शैतान का घर कौन सा है? शैतान का घर कौन सा है? और ये घर किसने दिया उसको? परमेश्वर ने।
परमेश्वर ने कहा है कि शैतान, यहूदा 1:6 में पढ़िएगा, आपको पता लग जाएगा कि शैतान तेरा घर अंधकार है। तेरा घर कौन सा है? अंधकार तेरा घर है, शैतान को परमेश्वर ने दे दिया। अब अगर आपके अंदर अंधकार होगा तो शैतान आएगा? परमेश्वर उसे मना कर पाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने दिया है। हेलो, परमेश्वर ने ही दिया है कि अंधकार, तेरा घर अंधकार है शैतान। अब अगर अंधकार आपके घर में आता है, आपके दिल में आता है, आपके जीवन में आता है, आपके मंदिर में आता है, तो शैतान आएगा और परमेश्वर उसे मना नहीं कर पाएगा। और यही हुआ शमौन पत्रस के साथ, कि शमौन पत्रस के अंदर अंधकार आ गया था, शिष्यों के अंदर अंधकार आ गया था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, शमौन तुम लोगों को शैतान ने गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है। गेहूं की तरह पटकना आपको पता है क्या होता है? आमीन। एक के बाद एक परीक्षाएं, एक के बाद एक, आपको सुकून नहीं मिलेगा। गेहूं, अनाज कैसे निकलता है? जब आप गेहूं को 10 बार पटकेंगे, ठाक 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 ठाक। इसलिए अगर अंधकार आपके अंदर है, आपके जीवन में परीक्षाओं का दौर चल जाएगा। कभी ये परीक्षा, कभी वो परीक्षा, यहां से नौकरी की परीक्षा, धंधे की परीक्षा, घर में परीक्षा, ये परीक्षा, वो परीक्षा, और आप कहेंगे हो क्या रहा है यार, हर जगह से दोस्त जा रहे हैं, नौकरी जा रही है, धंधा जा रहा है, पति नहीं सुन रहा है, पत्नी नहीं सुन रही है, ये हो क्या रहा है, पड़ोसी से लड़ाई हो रही है। जांचिए, किसी को दोष मत दीजिए, किसी को दोष मत दीजिए, घुटने पर आइए और माफी मांगिए और अपने अंदर से अंधकार को निकालिए। अपने अंदर से अंधकार को निकालिए, अपने आप आपकी जो चीजें हैं शांत हो जाएंगी। जिस दिन अंधकार आपके अंदर से निकल गया, यीशु की ज्योति आपके अंदर आ जाएगी, और जिस दिन यीशु की ज्योति आपके अंदर आएगी, वो आपको बुद्धि देगा, वो आपको समझ देगा। तब आपको समझ में आएगा यीशु क्या कह रहा है। यहूदा इस्करियोती के अंदर अंधकार आ गया था, यीशु मसीह ने उसके पैर धोए और यीशु मसीह उसे समझा रहा था, कह रहे कोई है जो मुझे पकड़ने वाला है, तुम में से कोई मुझे पकड़ेगा। वो उसे बता रहा है कि मुझे सब कुछ पता है, जो मेरे प्याले में हाथ डाल रहा है वही है। लेकिन तब भी उसको बुद्धि नहीं खुल रही है, तब भी वो क्षमा नहीं मांग रहा है, तब भी वो कह नहीं रहा है कि हाँ यीशु मेरे अंदर ऐसी बात आई थी, मेरे अंदर अंधकार आ गया था, मैंने आपको पकड़ाने की कोशिश की, मेरे अंदर आपके लिए बुराई आ गई थी। उसने नहीं कहा, अरे अगर ऐसी कभी बुराई आती है क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए। गलती करना पाप नहीं है, याद रखिए, आप मसीह हैं, गलती होती है, पाप हो जाता है, आप पवित्र, आप सिद्ध नहीं हुए। गलती करना पाप नहीं है, पहला पाप करना पाप नहीं है, लेकिन जान पूछकर उस गलती को दोहराना पाप है। आपको पता लग गया कि ये गलत है और फिर भी आप वही कर रहे हैं, वो पाप है, वो पाप है, है नहीं? समझा नहीं क्या कह रहे हैं? यहूदा इस्करियोती के अपने चेलों के पैर धोए, रविदास जी के पैर, अपने चेलों के पैर धोए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उस अंधकार को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। कौन निकाल सकता है? आप अंधकार नहीं निकाल सकते। आप इधर गलत काम करें और भलाई का काम करें, आप समझ रहे हैं कि अंधकार निकल जाएगा? नो, अंधकार निकालने का सिर्फ एक तरीका है, वो है पश्चाताप। पश्चाताप करिए, घुटने पे उससे कहिए कि यस, मैं समझ गया हूं परमेश्वर की मेरी गलती, आई एम सॉरी, मुझे इससे बचाइए आप। परमेश्वर उसी पल बचाएगा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसी पल आपको बचाएगा। आप नहीं जानते कि परमेश्वर के लिए आप कितने बहुमूल्य हैं, आप नहीं जानते। आप माफी मांगिए, परमेश्वर आपको बचाएगा। आप उससे कहिए कि मेरे दिल में आओ, उसी समय आएगा, उसी समय आएगा वो। कई मसीह ये सोचते हैं कि पता नहीं यार परमेश्वर मुझे कैसे देखता होगा, मैंने पाप भी किए हैं यार, मैं गलत जीवन भी जी रहा हूं, कैसे देखता होगा मुझे। विश्वास करिए, वो जब भी आपको देखता है ना, तो प्यार की दृष्टि से ही देखता है।
आपका बाप आपको गुस्से से देखेगा, आपकी माँ आपको गुस्से से देखेगी, लेकिन वो परमेश्वर है, वो जब भी आपको देखेगा प्यार की दृष्टि से देखेगा, क्योंकि वो आप में यीशु को देख रहा है। हालेलुया, वो आप में यीशु को देख रहा है। इसलिए अपने अंदर यीशु को रखिए, यीशु को बना के रखिए कि मेरे अंदर यीशु बना रहे। प्रेज द लॉर्ड, मेरे भाई मेरी बहन, अपने अंदर यीशु को रखिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया, इसलिए प्रार्थना क्या करनी है कि हमें उन योजनाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई हैं। और परमेश्वर अपनी आत्मा इसलिए दे रहा है ताकि वो आपको बताए, और वो योजनाएं आपके लिए हानि की नहीं है, लाभ की हैं। इसलिए अपने अंदर थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा की वजह से आप जो मांगते हैं उसकी वजह से आपके अंदर लालच आ जाता है, आपके अंदर अंधकार आ जाता है, और वो अंधकार की शक्तियां आपको जकड़ लेती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो अंधकार की शक्तियां आपको प्रभु के पीछे कर देती हैं, फिर आपके अंदर कठोरता आ जाती है, फिर प्रभु से आप दूर हो जाते हैं, फिर आप परमेश्वर के वचनों को समझने नहीं लगते, फिर परमेश्वर के वचनों का मजाक उड़ाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए प्रार्थना जब भी करिए आप ये समझिए कि उस प्रार्थनाओं के द्वारा अंधकार में आप ना जाएं। हालेलुया, प्रार्थना आपकी, परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना सुनेगा, प्रार्थना परमेश्वर आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहीं हम ऐसा ना मांगे जिससे हम अंधकार को अपने अंदर दावत दें। प्रेज द लॉर्ड, विश्वास करते हैं आज का वचन आपको अच्छा लगा? आमीन। आज के वचन से आपने सीखा? अब आप प्रार्थनाएं वो करिएगा आज से जिसमें परमेश्वर की योजनाएं आए, और आप परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में काम करें जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल होगा और आपकी आशा पूरी होगी। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। जो जूम मीटिंग में देख रहे हैं परमेश्वर आपको आशीष दे, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं परमेश्वर आपको आशीष दे। अंधकार से निकलिए और प्रार्थना में, अपनी प्रार्थनाओं में अंधकार मत लेकर आइए, परमेश्वर की आत्मा लेकर आइए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।